वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। शुरू करते हैं आज का व्लॉग एक अच्छे नोट पे। सुबह मैं सब जल्दी उठ गया आज 8 बजे। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, वीडियो एडिट किया, कंप्लीट किया। 3 दिन से कोई व्लॉग नहीं डाला था मैंने, 3 दिन हो गए थे। आज क्या हुआ था कि एग्जाम था मेरा, उससे पहले मैं थोड़ा बिजी था, फिर एग्जाम था। और एग्जाम ऐसा था कि उसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता था यार, क्योंकि उसका पढ़ाई जो थी ना, मतलब उसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा था, प्रिपेयर करना ज़रूरी था और एग्ज़ाम भी बहुत ज़रूरी था। उसी की तैयारी में सारा दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, मतलब पूरे पूरे लास्ट वाले 2 दिन मैंने एग्जाम में ही सारी पढ़ाई उसी की। उस चक्कर में व्लॉग नहीं आया, होता रहता है, बट अब से रेगुलर आएगा। ब्रेक्स लेने भी ज़रूरी होते हैं बीच बीच में, बट अपना मतलब जब जेन्युइन मेरे को ज़रूरत होती है ना ब्रेक की, तभी लेता हूँ मैं, ऐसे नहीं लेता। क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड पूरा दिन यही चलता है यार, आज व्लॉग नहीं डाला, आज व्लॉग नहीं डाला। मुझे ज़्यादा टेंशन होती है उस चीज़ की। ठीक है, एक टाइम था देन 50 व्यूज़ आते थे दिन के, अब 300 व्यूज़ 400 व्यूज़ हर वीडियो पे आते हैं। तो लेट्स कीप अप द गुड वर्क एंड राधे राधे। चलो अब चलते हैं, लाइब्रेरी जा रहा हूँ मैं, पहले कुछ काम है, कुछ थोड़ा सा मतलब वीडियो अपलोड भी करनी है, वो तो हो ही जाती है वैसे घर से भी, बट कुछ काम है। काम क्या है आने पे पता लगेगा, टाइम आने पे। ये देखो 13% 14% 2 मिनट में अपलोड। यहाँ पे वो मेरे लिए मीम बना सकता है, लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करना, जाके अपलोड करना, सारी चीज़ें ज़रूरी है ना, क्या कर सकते हैं। हम 4 घोड़ों पर सवार हूँ, करना ही पड़ेगा काम तो जो है। बाकी अब थोड़ा सा और काम करना है, इसके बाद वैसे अपलोड हो जाए, फिर मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटिंग वीडियो की। लाइब्रेरी से निकलो मैं अभी, अभी हुए हैं 4:15 लगभग। मेरा भूख लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गई थी मेरे को आए हुए। 12 बजे आ गया था मैं, लगभग 4.5 घंटे हो गए मेरे को यहाँ बैठे हुए। चले अब घर, गुड डे। मस्त मौसम है, मौसम तो अभी तक तो ठीक है, वैसे ठंड है, मतलब वैसे ठीक है, अंदर सही लग रहा था, अभी भी सही लग रहा है थोड़ा सा। अभी जस्ट आया हूँ क्योंकि मेरे को पता है अभी 5-7 मिनट में लगने स्टार्ट होगी ठंड। मेरे को अभी जाना था सीधा, मैं चाहता तो इस बस में जा सकता था, बट मेरे को एक कार्ड लेना था, एक कार्ड जो मेरे को चाहिए, एटीएम कार्ड हो घर पे पड़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ एक साथ कुछ कैश निकलवाना है अभी मुझे, तो मेनली उसके लिए चाहिए। कैश क्यों निकलवाना है वो कल के व्लॉग में पता लगेगा। मतलब तुम्हारे लिए तो क्या ही सरप्राइज़ है, वैसे तो बहुत कॉमन चीज़ है आजकल यहाँ पे, तो वैसे ही बहुत कॉमन है, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, ज़िंदगी का पहला डैश। चलो चले अब घर, उठाते हैं कार्ड, थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ और फिर निकलता है। तो ये अभी ये सारी मेल्ट हुई है, कल फिर शो कर रहा है स्नोफॉल, कल 3 तारीख है। ये व्लॉग थोड़े डिले आ रहे हैं मेरे, बट वैसे अब ऑलमोस्ट टाइम पे आ गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने 2 व्लॉग्स तो ऐसे डाले हैं, 2-2 दिन को कंबाइन करके, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनता है क्योंकि उसमें 2 दिन होते हैं, कवर भी हो गया थोड़ा सा उस तरीके से। अगर मैं ऐसे डालता एक दिन में 2 व्लॉग तो उसमें मेहनत बहुत लगती है, तो ऐसे बीच में काट दो एंड यू आर गुड टू गो। हेलो, ये बच्चे पीछे मजे ले रहे हैं, देखो बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं, टाइम पास भी हो रहा है, इनका खेलना हो गया, बर्फ़ भी साफ़ होगी। चाय बनाई और साथ में एक पराठा बना लिया एंड सम बिस्किट्स, ये अभी इंडिया से मंगवाया था सचिन भैया से, मेरे को मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं ये वाले, कोकोनट वाले। चलो खाते हैं फिर निकलते हैं। चलो भाई लेट्स रोल अगेन। चलिए फिर, मैंने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, चाय वाय पी ली,
मस्त एक वीडियो देख ली, व्लॉग देख लिया, आरुष भोला माय फेवरेट। अब चलते हैं, आज ना मोमोज ट्राई करें। वो स्टीमर लेके आ गए थे बढ़िया वाला, उस दिन मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, जैसे मैंने बताया था कैमरा घर रह गया था, तो आज मोमोज बनाए थे, अभी ट्राई करते हैं जाके। थोड़े थिक बन रहे थे पहले, बाकी देखते हैं जाके कैसे बने, ट्राई वराई करते हैं। रंधावा की रिक्वेस्ट आ रही है, दिल्ली वाले हुए पड़े बेचैन मोमोज के बिना, इतने टाइम वेट किया बेचारे ने, कब से उसको वीडियो दिखा रखी है मोमोज वाली, अब बनेंगे। कल फाइनली संडे है, कल बनाने वाले हैं। बाकी मैंने जैकेट चेंज कर ली है वाली, ठंड आज काफ़ी, वैसे मतलब वैसे नहीं है टेम्परेचर, बट हवा चल रही है उसकी वजह से ठंड लग रही है, ये पूरे ऊपर ऊपर तक साफ नहीं होता यहाँ पे। बाकी अगर तुम्हें किसी को यहाँ पे लोकल फूड ट्राई करना हो ना, लाइक टूरिस्ट जो आ रहे हो, ये जो मैंने रेस्टोरेंट दिखाया इसकी 3 से 4 चेन्स हैं यहाँ पे, 3 से 4 इसके अलग अलग हैं स्टोर्स, क्या बोलेंगे इसको, मतलब ऐसे 3 से 4 लेगवन खाना नंबर 1 करके है। अब वो एक ही है टेस्ट या पता नहीं मुझे, बट इसका तो बहुत अच्छा टेस्ट है काफ़ी, और लेगवन वैसे चाइनीज डिश है, यहाँ की नहीं है। चलो भाई मोमोज बन चुके हैं आज। अरे कहाँ है चटनी? ये भाई चटनी चेक करो, नौ बज गए, निकलो मैं यहाँ से अभी। अब आया हो कि जा रहा हूँ सीधा डायरेक्ट बस मिल जाएगी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लूँगा फिर 88 हो गया, वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाती है मेरे लिए, तो वहीं से चलेंगे आज, चेंज करूँगा आगे से। तो भाई फ्रूट और खजूर का पूरा स्टॉक फुल हो गया। ये वाली चॉकलेट कहता हूँ, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं यहाँ पर चॉकलेट कौन सी लेके जाएँ इंडिया, रफेलो दिस इज़ द बेस्ट वन, अगर इंडिया लेके जानी है तो मैं। बाकी उसके अलावा कजाकिस्तान वाली जो आती है वो ले जाओ। तो ये भी रात के 12 बज रहे हैं, घर पे मैं आ गया था, थोड़ा बहुत रेस्ट किया आके, फिर मैंने देखा मेरा वो जो ट्रांजेक्शन करके आया था ना उसका TCS वापस आ गया था, फिर मैं अभी जैसे वापस आया फिर मैं वापस निकल गया, मैंने कहा तो और निकलवाऊंगा अभी मैं आज में, क्योंकि वो 24 आवर की लिमिट हो जाती है ना, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, 12 बजे से पहले निकलवा लिया मैंने। जैसे ही वापस आया ये देखो, अभी दिख नहीं रही है वैसे ज़्यादा हो रही है, बट मेरे को दिख रही है, स्टार्ट हो गई है। ये देखो ऐसे लेके आया हूँ, वैसे अभी 2 लाख है इसके अंदर, एक्साइटमेंट ही ऐसी है ना भाई, पहला फ़ोन है तो मैं बता ही दिया, वैसे तो मैंने अपन नहीं बताना चाहिए था। बाकी अब चलते हैं अंदर, बाकी के अब कल निकल जाएंगे, ऑलमोस्ट हो गया मेन जो अकाउंट, मेन जो अमाउंट था वो हो गया, बाकी के कुछ चंद पड़े हैं वो निकल जाएंगे, ईजिली निकल जाएंगे अब वो।